मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं, इस देश में ना बाबा साहब की बात कोई रोक पाया है और ना कोई भविष्य में रोक पाएगा। तो निश्चित तौर पर इन्हें वापस आना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जो हमें हथियार दिया है, जो हमारा देश संविधान से चलता है, किसी की लाठी से ये देश नहीं चलेगा। ये बाबा साहब को संविधान हमारे सामने बैठे हैं, तो ईवीएम को भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर, डॉक्टर रितु जी और सब उनकी टीम, मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं, इस देश में ना बाबा साहब की बात कोई रोक पाया है और ना कोई भविष्य में रोक पाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे बड़ा हथियार आप लोगों को शिक्षा का दिया है। जहां शिक्षा हो गई तो शिक्षा ग्रहण करेंगे, स्थान उपलब्ध हम बनाने का काम करेंगे। आप लोगों को ड्यू के पूरे टीम को, और जिस तरीके से आज बैकलॉग की बात रितु जी ने भी कही, हमारे एडवोकेट साहब ने भी कही, निश्चित तौर पे बैकलॉग इस देश में बहुजनों को हक मारने का काम कर रहे। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, तो मुस्लिम एक डिग्री हुआ करती है, तो उस डिग्री को हासिल करने के बाद, उर्दू मौलम डिग्री एक होती है, उसको हासिल करने के बाद उसे टीचर बनने का मौका मिले, एक उससे पहले किसी सरकार ने उनको मौका नहीं दिया। एक आदरणीय बहन कुमारी मैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा कि सब लोग शिक्षक बनेंगे तो मुझसे समाज भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उस डिग्री को बेटी से ये संकल्प लाकर तमाम बहन भाइयों को नौकरी देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायती जी ने करने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायती जी ने इस आंदोलन में की, जहां तक बात डॉक्टर साहब हमारे एडवोकेट साहब बोल रहे थे, तो मैं रितु जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आनंद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने ट्वीट करके आपको संदेश देने का काम किया है, और बहन जी का संदेश को पूरा देश जानता है। 2018 में आप इस देश ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले को वापस लेना पड़ा, तो ये बहुजनों से न टकराए, ये बाबा साहब तो निश्चित तौर पे इन्हें वापस आना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जो हमें हथियार दिया है, जो हमारा देश संविधान से चलता है, किसी की लाठी से ये देश नहीं चलेगा। ये बाबा साहब को संविधान, ये लोग बल पर, ताकत के बल पर हम आपको कुचलने का काम करेंगे। हम आपके साथ करें, कोई आपको कुचल नहीं सकता, पहले हमसे टकराएगा, तब आपसे टकराने के बाद तो देश में करने का काम करेगा। मैं जा देना कहते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने 6 फरवरी का तो आप लोगों ने आंदोलन की तो किसी रखी है 6 फरवरी को, निश्चित तौर पर जनशाला भी होगा। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन आपकी उस आवाज को दबा नहीं सकता। हरिकोटी को भी प्रशासन को कहना चाहता हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो दोषी है चार्जशीट है तो कार्रवाई हो, अगर चार्जशीट का मतलब क्या कि वो दोषी है तभी चार्जशीट चलती है, चार्जशीट कुर्सी पे नहीं बल्कि उसे जेल के अंदर होना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग 6 तारीख को विशाल एक प्रदर्शन करके इस सरकार को भी झुकाने का काम आप लोग करेंगे, और हम लोगों का भी सहयोग आपके साथ रहेगा। पुनः मैं आप लोगों के विश्वास दिलाते हुए कि बाबा साहब के संविधान को ना कोई रोक पाया है, बाबा साहब की आवाज को ना कोई दबा पाया है, और ना कोई भविष्य में बाबा साहब की आवाज को दबा पाएगा। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।